बाकी जो मैथ है गणितीय है उसका चैप्टर नंबर जो 6 है वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस टू अकर एनी सब को कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज में क्या होता है वो पूछती है एकदम दूसरे से पूछिए कि हां जी बताएं जी कितने परसेंट चांसेस हैं 100 में से हमारा मतलब होता है कि कितने परसेंट चांस है। जब आप कहते हैं यार इस पेपर में मेरे अच्छे नाम मार्क्स हैं कि मैं 100 में से अच्छे 80 जो हैं 70 नंबर लूंगा मतलब कि आपके चांसेस हैं कि आप क्या करेंगे 100 में से 100 ले सकते हैं 100 में से 80 ले सकते हैं 100 में से 1 भी ले सकते हैं और 100 में से 20 भी ले सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप 100 में से 100 लेंगे ऐसा होता है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी हमें हमेशा आपने इसका जवाब याद रखना है कि 0 और 1 के दरमियान नहीं होगी कभी ये 1 से बढ़ेगी नहीं 0 जो 0 या 0 से ये बात बस। अब ये हमारे पास आगे आता है पहला सवाल वो कहता है आपका इफ आ टाइम इज रोल्ड वंस पहले आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह पढ़ना है कि ये उसने पूछा क्या। वो कहता है एक आपके पास टाई है वो रोल्ड हुई है वन बार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इवन नंबर इवन किसे कहते हैं हम कहते हैं जूस को पास में नहीं। अब इसका मतलब है कि हमारे पास सैंपल ऑफ स्पेस आपको पता है कि जो डाई होती है उसमें कितने होते हैं 6 होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है जी। अब ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज हैं मतलब कि ये टोटल नंबर है उसके जो आ सकते हैं। उसने कहा कि हमारे पास सैंपल ऑफ जो इवेंट है वो ये है कि आपने इवन नंबर निकाला है कौन कौन से इवन है 2 4 6 2 4 एंड 6 तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी अब निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ सैंपल नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ सैंपल ऑफ स्पेस मतलब कि टोटल जो स्पेस है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 6 और यहाँ पे कितने हैं 3 तो क्या आ गया 3 ओवर 6 तो इसकी पॉसिबिलिटी आ गई 1 ओवर 2 ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि हमारे पास अगर हम 6 हमारे पास नंबर है उस डाइस पे उस दाने पे लूडो के दाने पे 6 नंबर हैं इधर हैं और ये ऐसे और इसको ऐसे करते हैं इधर 2 हैं इधर जो है 4 हैं ऐसे ही इधर भी है इधर भी है और इनके बीच की साइड तो ये अगर 6 हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास इवन जो है वो 0.5% आएगा यानी कि अगर 2 दफ़ा उसको डालेंगे नीचे तो उसमें 1 दफ़ा इवन आएगा ठीक है 2 में से 1 दफ़ा का ठीक है। या हम उसको अगर 6 दफ़ा उसको कराएंगे तो उसमें 3 दफ़ा हमारे पास इवन आएगा ठीक हो गया। अब ये हो गया जी हमारा पहला सो दूसरा ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड मतलब कि एक जो है वो कार्डों की दत्ती पड़ी हुई है आपके पास ठीक है ऐसे ऐसे लगे हुए उसमें तो आपने क्या किया आपने कार्ड जो है वो फेंक दिया कार्ड फेंक है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड डायमंड। अब आपको पता है कि जो कार्ड होते हैं उसके ऊपर कितने तरह की होती हैं 4 तरह की चीज़ें होती हैं एक इस तरह की होती है इसको कहते हैं डायमंड एक होती है ऐसे चिड़िया से होती है ठीक है और एक बनी होता है ऐसे दिल बना होता है और एक पाउंड जिसे कहते हैं हुक्म कैसे हैं ये बात है। अब वो कहता है इसको डायमंड को आपने देखना है कितना आपके जो है पत्ते आपने ये गौर करना है कि आपके पास टोटल पत्ते जो होते हैं सैंपल ऑफ स्पेस होती है 52 अब 52 में आपके जो हैं वो 13 पत्ते इसके होते हैं 13 पत्ते इसके होते हैं 13 ही इसके होते हैं बस 13 ही पत्ते इसके होते हैं मतलब कि हर पत्ते में आपने देखा होगा जो हमारे पास 2 का नंबर होता है उसमें एक ये होगा एक ये होगा एक ये होगा एक चार होंगे इसका मतलब हमारे पास हर पत्ते में एक तो 13 हमारे पास नंबर होते हैं 2 से लेकर 10 तक 9 ये और इंग्लिश के नंबर कितने होते हैं 4 इंग्लिश के नंबर होते हैं तो कितने 13 पत्ते हर एक में होंगे ये बात इसका मतलब कि हमारे पास इवेंट जो है वो हमारे पास 13 है बात समझ आई कि टोटल हमारे पास सैंपल ऑफ स्पेस 52 थे तो
तो इवन हमारे पास आ गए सिर्फ 13 13 का आप हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट करेगी नंबर ऑफ इवेंट ठीक है ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस तो क्या हो गया जी हमारे पास नंबर ऑफ ई आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू ये कितना है 13 ओवर 5 तो ये हमारे पास आ गया 4 मतलब कि अगर हम कोई पता निकालते हैं तो अगर 4 पते देखते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है एक पता डाइवर्ट जाएगा या अगर हम 52 पते निकालते हैं तो उसमें 13 पते डाइवर्ट हो क्लियर बात होगी ये हमारे पास हो गया ये दूसरा सवाल भी सॉल्व ठीक है जी अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ वो कहता है इफ टू कॉइंस आर टॉस फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन है अब आपको पता है जब आप एक आपके पास कॉइन है मैं तो कहता हूं जी मेरे पास कॉइन है उसके दो पॉसिबिलिटी होती उसको मैं फेंकूंगा या तो उसका हेड आएगा या उसका टेल ठीक है दूसरा मैं फेंकता हूं वो भी या तो हेड आएगा या टेल तो इनके जब दोनों के रहेंगे या तो दोनों के हेड आएंगे या एक का हेड दूसरे का टेल आएगा या एक का टेल दूसरे का हेड आएगा या दोनों के टेल पास में नहीं इसका मतलब कि हमारे पास सेट ऑफ स्पेस जो है वो बन गया क्या बना एच एच दोनों के हेड एक का हेड दूसरे का टेल उसके बाद एक का टेल दूसरे का हेड या दोनों के टेल कितने बन गए चार एक दो तीन चार चार बन गए थी हमारे पास सैंपल ऑफ स्पेस अब जी उसने क्या कहा उसने कहा ओनली वन हेड मतलब उन्होंने उन चीजों में ओनली वन इसमें दो हेड है इसको नहीं लेंगे इसमें वन हेड है इसमें वन हेड है इसको भी लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे तो ओनली लेट ओनली वन हेड सेट है वो किसके बराबर है जी हम कह देते हैं ए के सेट के बराबर है तो वो किसका है एच टी का और टी एच का ये दोनों में एक हेड है एक टेल ओनली वन हेड ओनली वन टेल ठीक है तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास बात आ जाएगी